सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देख रहे सारी दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबर के इस बुलेटिन विच निक्का स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नज़र मार लें अज दीआं चुणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री वालों उप मुख्यमंत्री के मुद्दे से चुके सवाल का प्रकाश सिंह बादल ने दिता जवाब। अकाली दल वालों चोण संकल्प पत्र जारी, सुखबीर सिंह बादल ने किए वड्डे ऐलान। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस भाजपा आप वांग झूठे वादे नहीं करती। पठानकोट प्रधानमंत्री की रैली तैयारियां लेके पुलिस ने वधाई चौकसी। पंजाब सरकार वालों 25 फरवरी तक कोरोना पाबंदियां च वाधा। हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते कुछ होर खबरां। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वालों अपने हल्के लंबी दे पिंडां विच लगातार चोण प्रचार किया जा रहा है। उन्हां वालों अज भी पिंडां विच चोण जलसियां नूं संबोधन किया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री वालों श्रोमणी अकाली दल ते उप मुख्यमंत्री दे मुद्दे ते चुके सवाल ते सीनियर आगू ने कहा कि इस बारे सारियां दी राय लई गई सी। उन्हां कहा मैनूं दुख हुंदा है जदों इन्ने वड्डे आगू अजिहां गल्लां करदे हन। इह पुछ जाण ते कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हन कि उन्हां दी पंजाब नाल पुरानी सांझ ते प्यार है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि जे इन्ना ही प्यार सी तो 700 किसान शहीद क्यों हुए। पंजाब के दौरे पर है मोदी साहब ने कल एक बयान दागया सीगा भी जो बीजेपी ते अकाली दल की सरकार सी तो बादल ने जिहड़ा हैगा साडा डिप्टी सीएम नहीं लिया। ये अज ही आख्या जिहड़ा डिप्टी सीएम बनया उदों इन्हां दी उस वेले दी लीडरशिप प्रधान अडवाणी साहब उन्होंने राय करके ए, ना इन्हां ने कदे कहा। मैनूं दुख हुंदा कि एडे एडे वड्डे बंदे एडे वड्डे रोहदियां ते ते ओह इह जिहियां नवीआं गल्लां छेड़न कोई फायदा नहीं। बेशक जिहड़ा गा लम्मा समां किसान जिहड़ा संघर्ष करदे रहे हैगे अज मोदी साहब कह रहे हैगे मेरा पंजाब नाल जिहड़ा गा पुराना तालुकात हैगा पंजाब नाल बहुत 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 प्यार है। बहुत प्यार हुंदा तां 700 बंदा क्यों मरदा। फिर उहनूं वापस भी लिया। देखो जिहड़ा कोई कानून बनाउणा होवे अज तक कदे लोकां दी इच्छा दे खिलाफ नहीं बनाउणा चाहीदा। लोकां दी इच्छा पुछणी चाहीदी है। एडा वड्डा कानून बनाउणा सी किसान यूनियन ने पार्टियां ने किसी ने राय नहीं कीती बना दे। मैनूं खुशी है कि अकाली दल दा रोल उहदे च बहुत वड्डा सी। विपार सिमरत जिहड़ी मिनिस्टर सन उहनां ने इस्तीफा दित्ता और जो कानून बन लग्या उदों दो वोटां ही खिलाफ पईआं हरसिमरत दी ते सुखबीर दी। बस दूजे पासे जिहड़े बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लै के जिहड़ा हैगा हुण बीजेपी जिहड़ी सरकार जिहड़ी गल कर रही हैगी कि लगदा नहीं कि चोण स्टंट हैगा जिहड़ा पहलां क्यों नहीं गल छेड़ी वी हैंडी बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लै के जिहड़ा बीजेपी हुण जिहड़ी गल कर रही हैगी वी कि लगदा नहीं चोण स्टंट हैगा पहलां। देखो चोण च सारे गल्लां हुंदीआं वेखणा ते है जिवें असीं ट्यूबवैलों के खर्चे कोई चोण करके तो नहीं किए। पहला ही चीफ मिनिस्टर 20 साल पहला करते ये गल्लां सारियां लोग अच्छ समझते हैं किसी पार्टी को गलत करने के। बस अकाली दल का जो मैनीफेस्टो अज आ रहा है मैनीफेस्टो के किस तरह पंजाब हिती जिहड़े गए रखा गया है काका सानू सारे मैनीफेस्टो वैसे कढ़ना पैंदा है। हर एक चीज़ का पता इहदा बाहरले लोगों को दसण की गल हुंदी है। सानू तो हर एक चीज़ मैनू हुण कि चीज़ भुली है हर एक चीज़ जी कमी है लोगों की बच्चों की बेरोजगारी है किसानी मुनाफा भाग धंधा नहीं और इस तरह के काम है चंगा। पंजाब विधानसभा चोणां 2022 लई श्रोमणी अकाली दल बसपा गठजोड़ दा चोण मनोरथ पत्र अज पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों जारी कर दिता गया है। चंडीगढ़ विखे आयोजित एक प्रेस कानफ्रेंस में सुखबीर सिंह बादल ने यह चोण मनोरथ पत्र जारी किया। सुखबीर सिंह बादल ने मनोरथ पत्र जारी करदियां कहा कि अगले 5 सालां लई पार्टी दा विजन है। उन्हां कहा अकाली सरकार आउण ते मुख एजेंडा सरकारी स्कूलां ते हस्पतालां नूं वधाउणा होवेगा। अकाली दल दे बगैर जिन्नियां पोलिटिकल पार्टीज़ है उन्हां दी मैनीफेस्टो दी इंप्लीमेंटेशन बहुत घट है। साडियां जिन्नियां भी सरकारां बनियां इस करके बनियां कि असी जो किया वो कीता। जिन्नियां भी अज स्कीम्स पंजाब चल रही हैं गरीब नूं किसान नूं डिवेलपमेंट नूं वो सारियां ही श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां दे दौरान ही बनियां। पिछली बार तुसी जानते हो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी दे अप्रूवल ते जो मैनीफेस्टो कांग्रेस दा जारी होया सी ओ सार मनमोहन सिंह सोनिया गांधी उन्हां दी अप्रूवल ते होया सी।
ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਿਲਿਆ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਭਲਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈਗੇ PM ਵਿਜਿਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਰੈਂਕ ਦੇ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ADG ਰੈਂਕ ਕੇ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੇ ਲੀਏ 4 IG DIG ਰੈਂਕ ਕੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਕਮਾਂਡੈਂਟ AIG SP ਰੈਂਕ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਅਫਸਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈ। ਸਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਕਾਫੀ ਲਗਭਗ 1800 ਬੰਦੇ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਮਾਰੇ ਐਂਟੀ ਰਾਇਟ ਜੋ ਫੋਰਸ ਆਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਘਾਤਕ ਕੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਉਹ ਕੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। 2013 ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ, ਜਬ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਹੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਲਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਮੁਝੇ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਜੀਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੁਝੇ ਉਸਮੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਕੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਕਰ ਸਮਝ ਕਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਔਰ ਜਬ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਤੋ ਸੱਚ ਬੋਲੋ।
पंजाब सरकार ने 25 फरवरी तक कोरोना पाबंदियों विच वाधा किया है। हालांकि देश विच कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी कोरोना नियमों विच कुछ ढिल देंदिया अनेक पाबंदियां लाईया हैं। जारी हुक्मां अनुसार हुण विद्यार्थी फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने स्कूल जाना है या फिर ऑनलाइन क्लासा लगाउणियां हैं। 15 साल तो वधेरे उम्र वाले विद्यार्थियों लई पहली डोज लगी होनी लाजमी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को फरीदकोट विखे भाजपा के उम्मीदवार की चोण मुहिम से पहुंचे। स्टेज तो अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि वह फरीदकोट में पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कई रैलियां की थी पर इस बार जो लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं इस तो पता लगता है कि इस बार भाजपा गठजोड़ की सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब भारत की जमीर है, सिख भावों का बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा भाजपा मनुखता की राजनीति करती है। कांग्रेस के समय का वह रखा हुआ था लेकिन वह नहीं कर पाए। बहनों भाइयों, पंजाब में उनकी सरकार थी लेकिन पंजाब के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब क्यों पिछड़ा हुआ है? पंजाब के लोग परिश्रमी हैं, पंजाब के लोग जिस्म का पसीना बहाते हैं और पंजाब के लोगों के लिए ही खाने के लिए अन्न पैदा नहीं करते हैं बल्कि पूरे भारतवासियों का भी पेट भरने का काम पंजाब के लोग करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी अन्न एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्यों इस प्रकार से इनकी उपेक्षा होती है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बहनों भाइयों, हम इस पंजाब को नवा पंजाब बनाएंगे और नवा पंजाब ही नहीं बल्कि रवा पंजाब भी हम बनाना चाहते हैं। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिश। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका पूरा समर्थन यह भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा कांड जिस विच चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई सी खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट विच पहुंच करेगा। पत्रकारों नाल गल करदिया उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा इस केस का मुख मुलजम है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी उस जमानत दे दी सी। इस खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया जाएगा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भाजपा को वोट ना करने की अपील की थी। 13 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन में रहे लेकिन ना देश की जनता गलत फहमी में रहे और ना किसान रहे। भारत सरकार ने कोई बातचीत किसानों से नहीं करी 13 महीने में। 22 जनवरी 2021 को लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ पर्चू का आदान प्रदान हुआ, एक बातचीत के आधार पर एक समझौता हुआ। हमको पता चला भाई सरकार उत्तर प्रदेश में है तो हम यहां पर आए, मिल यहां पर भी नहीं रही। और ये जो इशू है MSP का एक बड़ा इशू देश में है, उस पर गारंटी कानून बनाने की एक कमेटी बननी थी, वो भी नहीं बनाई। मुकदमे बहुत पर्चे दर्ज करीब 50,000 से ज्यादा पर्चे दर्ज है पूरे देश भर में, वो वापसी लेने की बात करी थी, वो भी वापसी नहीं हुए। बिजली के रेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को पता रहना चाहिए कि हरियाणा में 15 रुपया हॉर्स पावर है और यहां पे 175, 12 गुना महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। यहां का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टेनी, आशीष टेनी, जो इतना बड़ा जंगे अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो, तो घटना भी सभी लोग देख रहे, आज शायद उसकी रिहाई कर रहे। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ियों से रोंदने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं।
लुधियाना दे सीनियर भाजपा आगू ते लुधियाना हलका केंद्री तो भाजपा गठजोड़ दे उम्मीदवार गुरदेव शर्मा देवी वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं देवी तलाब मंदिर जाने लई सुरक्षा ना मुहैया कराउण दा दोष ला के पंजाब सरकार ते जलंधर प्रशासन ते सवाल चुके हन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिथे भी जाते हैं धार्मिक थावां ते जरूर जाते हैं। उन्होंने दिलों इच्छा सी कि वह देवी तलाब मंदिर जाण मगर जलंधर प्रशासन वल्लों सुरक्षा ना मुहैया कराउण दा हवाला दिता गया जिस कारण वह देवी तलाब मंदिर नहीं जा सके। उन्होंने अपने संबोधन दौरान कहा कि वह देवी तलाब मंदिर दर्शन लिए जरूर आउणगे। उन्होंने कहा कि पंजाब विच भाजपा की लहर है जिसनों देख के कांग्रेस घबरा गई है। देखो पंजाब दे विच बीजेपी की लहर चल रही है और पंजाब दे विच हर बिजनेसमैन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए क्योंकि दिल्ली दे विच पिछले साल तो साड़ी सेंटर बीजेपी की सरकार है और पंजाब दे भी अच्छे लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार जिनी देर पंजाब विच नहीं आएगी उन्नी देर पंजाब का भला नहीं हो सकता, पंजाब का विकास नहीं हो सकता, पंजाब का भाईचारा कायम नहीं रह सकता और इस करके जिहड़ा अज पंजाब की जनता है वह विकास कराना चाहती है, पंजाब का कर्जा मुक्त कराना चाहती है, पंजाब दे विच खुशहाली चाहती है, पंजाब विच भाईचारा चाहती है, इस करके पंजाब दे विच जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की लहर अष्टम चल। पटियाला दे हलका दिहाती तो आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर दे हक विच रोड शो करन पहुंचे दिल्ली दे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेकर पंजाब विच आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो असी सेहत अते सिक्ख्या दे खेतर ते पूरा ध्यान देवांगे ते अगले 5 सालां विच असी सिक्ख्या दा म्यार इन्ना उपर चुक देवांगे कि पंजाब दे नौजवान बाहरले मुल्कां विच पढ़ाई करन लई नहीं जाया करनगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो सारिया पार्टियां दे वर्कर इन्ने प्रभावित हुए ने कि वह अकाली कांग्रेस छड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में मेरे रोड शो तो बहुत जगह हो रहे हैं लेकिन जिस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है और अब तो खुशी दी गल है कि श्री वेद कपूर जी ने कांग्रेस के और बीजेपी के अकाली के बहुत सारे ऐसे लोग जो सोचते थे पंजाब के लिए कुछ हो वो भी छोड़ छोड़ के अब आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ रोजगार दिलवा सकती है, नशा मुक्त कर सकती है, गुंडागिरी से मुक्त कर सकती है, तो ये एक अच्छा माहौल है, सब मौका देके देखना चाहते हैं। सेहत और शिक्षा बहुत अहम होता है, इसके लिए क्या लेके आ रहे हो अगर पंजाब में आपकी सरकार बनती है? अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी को दें, भगवंत मान को सीएम बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगले 5 साल में पंजाब की एजुकेशन ऐसी हो जाएगी कि पंजाबियों को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए कनाडा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजबूरी नहीं होगी उनकी। पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि चन्नी साहब का माइनिंग से, माइनिंग माफिया से क्या रिलेशनशिप है, उनके अकाउंट में जो 173 करोड़ रुपए या 167 करोड़ रुपए उन्होंने खुद डिक्लेयर किए हैं गरीब आदमी ने, वो रेत माफिया से कैसे आए हैं, कितने आए हैं, बच्चा बच्चा जानता है, अपने ही एक SDM से क्लीन चिट दिला के खुद मुख्तार बने हुए हैं। दिल्ली चले जाएंगे वापस पंजाब ये संभाल नहीं पाएंगे। अकालियों ने पंजाबियों को धोखा दिया है, पंजाब के एक एक आदमी ने अकालियों पर भरोसा किया था, 10 साल जम के लूटा, कांग्रेस वालों को लेके आए, कांग्रेस वालों ने जम के लूटा, रेत माफिया से लुटवा दिया। आम आदमी पार्टी की यही खासियत है कि वो पंजाब के एजुकेशन पे, पंजाब के शिक्षा पे, पंजाब को गुंडागिरी नशा से मुक्त करने के लिए काम करेगी। सर पंजाब में कितनी सीटें आ सकती हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, सीटें जब जनता देने पाती है तो ऐसे देती है। गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पुरब के संबंध में आज कई थावां ते नगर कीर्तन कढ़े गए। श्री गुरु रविदास नगर प्रबंधक कमेटी जिला होशियारपुर वालों भी 5 प्यारियों की अगवाई हेठ नगर कीर्तन कढ़िया गया। यह नगर कीर्तन शहीद उधम सिंह पार्क रोशन रोड तो शुरू होकर शहर के वक्-वक् बाजारों च हुंदा होया वापस रोशन ग्राउंड विखे जाके समाप्त होया। इस मौके संगतां दे लई वक्-वक् तरह के लंगरां का प्रबंध किया गया सी। गुरु रविदास महाराज जी दे जन्म दिवस से शोभा यात्रा कढ़ रही संगतां नूं हुशियारपुर वासियां नूं लख लख वधाई आ। साडे वल्लों गुरु रविदास महाराज जी दे बचन ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, सारिया संगतां नूं बेनती है कि उन्हां दीआं सिख्यावां ते उन्हां दे उपदेशां ते चल के असली शब्दांजलि असली जन्मदिन का मनाओ। बहुत बहुत बधाई संतान। धन धन गुरु रविदास जी के जन्म दिहाड़े ते अज जिहड़ा नगर कीर्तन है वह हुशियारपुर के सारे वर्गों वालों, सारे दुकानदारों वालों,
सारे संत महापुरशा वालों ये नगर कीर्तन आ रहा थां थां लोग बड़े आदर माण ते सत्कार दे नाल नगर कीर्तन का जिहड़ा उहदे विच हिस्सा लै रहे आ लंगर छका रहे ना गुरु रविदास जी ने अज तो 647 साल पहला जो कृतियां उस वेले समाज दे विच सीगियां उहनां नूं सब तो पहला उन्होंने उहदे विरुद्ध जिहड़ी अपनी आवाज़ उठाई अज सारे लोग जिहड़े आ सारा पूरे भारत विच विश्व दे विच गुरु रविदास जी नूं मत्था टेकण वाले उन्हां नूं मन्नण वाले जिहड़े आ उह अज बड़े वड्डे तरीके दे नाल उस समाज सुधारक उस गुरु ते उस उह इंसान जिहड़े कि बहुत भगती लहर दी जिहड़ी शुरुआती जिहड़े संत महापुरश सी उन्हां विचों सन ते महापुरशां दा सारे राजनीतिक दल वाले सारे नौजवान बहुत वड्डा उत्साह आ उन्हां दे विच तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। इस नाल ही अजीत खबरों का बुलेटिन इत्थे खत्म हुंदा है। नवीं ते ताज़ा तरीन खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।